आईपीएल 2022 की समाप्ति के बाद अब दक्षिण अफ्रीका की टीम भारत का दौरा करने वाली है। इस दौरे पर दोनों टीमों के बीच 5 टी20 मैचों की सीरीज खेली जाएंगी। इस सीरीज का पहला मुकाबला जीतते ही भारतीय टीम इतिहास रच देगी। भारतीय टीम ने अब तक लगातार 12 टी20 मुकाबले जीते हैं। अगर टीम इंडिया दक्षिण अफ्रीका को पहले मैच में हरा देती है तो ये टीम लगातार 13वां मुकाबला जीत जाएंगी और ऐसा करने वाली इतिहास में भारत सबसे ज्यादा टी20 मुकाबले जीतने का रिकॉर्ड अपने नाम कर लेंगी। यानी अब तक क्रिकेट की दुनिया में ऐसा नहीं हुआ है कि कोई भी टीम लगातार 13 टी20 मुकाबले जीती हो। लेकिन इसके लिए भारतीय टीम के पहले ही मुकाबले में मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आती है, या फिर यूं कहें तो साउथ अफ्रीका की जीत तय लग रही है, लेकिन इसके पीछे की सामने 3 बड़ी वजह आती है। इन 3 चुनौतियों से पार पाना होगा कहीं न कहीं कप्तान KL राहुल को, उसके बाद भारतीय टीम ये इतिहास अपने नाम कर पाएंगी। तो आखिर कौन सी 3 चुनौतियां हैं, आखिर कौन सी 3 राह में रोड़ा बनने का काम कर रहे हैं, वीडियो में आगे बढ़ेंगे और आपको बताएंगे सब कुछ। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी हैं टीम इंडिया के फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं टीम इंडिया के लिए, और आज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी राय कि क्या टीम इंडिया ये इतिहास रच पाएंगी भी या नहीं, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। लेकिन आइए आपको बताते हैं कि आखिर क्यों टीम इंडिया की मुश्किलें बढ़ रही हैं और वो 3 वजह क्या हैं जो राह में रोड़ा बनकर सामने आती है, आइए आपको बताते हैं। लेकिन उससे पहले एक छोटी सी बात हम आपको और बताना चाहेंगे जो आपको और भी ज्यादा हैरानी में डालेंगी। बात यह है कि इस मुकाबले में पलड़ा किसका भारी है। इस सीरीज से पहले दक्षिण अफ्रीका का पलड़ा जोरदार भारी दिख रहा है। भारत ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले कभी भी घरेलू टी20 सीरीज नहीं जीती है। दोनों देशों के बीच पहली बार 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली जा रही है। इससे पहले 2 बार दक्षिण अफ्रीकी टीम भारत दौरे पर आई लेकिन दोनों बार भारत सीरीज नहीं जीत सकी। अब 3री बार दक्षिण अफ्रीका भारत दौरे पर है और ऐसे में भारत के पास एक बहुत बड़ा सीरीज जीतने का मौका है। खैर पहले से ही साउथ अफ्रीका का पलड़ा भारी बताया जा रहा है, लेकिन इस बीच इन 3 दिग्गज खिलाड़ियों ने जो साउथ अफ्रीका के हैं उन्होंने भारतीय खेमे में खलबली पैदा कर दी है, या फिर यूं कहे तो भारत की इस रिकॉर्ड और ऐतिहासिक जीत के लिए राह में रोड़ा बन सकते हैं ये 3 खिलाड़ी। आइए आपको बताते हैं कौन से हैं वो 3 खिलाड़ी जो भारत से पल भर में मैच छीन सकते हैं और भारत के कप्तान KL राहुल को इन 3 खिलाड़ियों से सावधान रहने की जरूरत है। इस लिस्ट में 3री पायदान पर नाम डेविड मिलर का आता है। डेविड मिलर ने सीजन की चैंपियन गुजरात टाइटंस की ओर से खेलते हुए 481 रनों के साथ सबसे अधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में 6ठे स्थान पर भी रहे। उन्होंने अपनी टीम के लिए कई सारे महत्वपूर्ण पारियां खेली। मिलर ने सीजन चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाफ 94 रन की सर्वश्रेष्ठ पारी खेली जो अपने टीम को मुश्किल परिस्थितियों में भी जीत दिलाई थी। डेविड मिलर जो किलर के नाम से भी जाने जाते हैं वो आईपीएल के अंदर अपनी फॉर्म और वापसी ढूंढ चुके हैं और कहीं ना कहीं मैच को फिनिश करने की काबिलियत भी। भारतीय पिचों से ये खिलाड़ी वाकिफ हो चुका है और वाकिफ हो चुका है हार्दिक पांड्या की रणनीति से, भारतीय गेंदबाजों के साथ में रहकर उनकी प्लानिंग से। इसके अलावा इन्होंने अपने क्वालिफायर मुकाबले में भी 38 गेंदों में 68 रन की विस्फोटक पारी खेली। एक मैच में तो लगातार 3 छक्के लगाकर उस टीम को फाइनल में पहुंचाया था। यानी कि डेविड मिलर अब भारतीय टीम के लिए किलर बन सकते हैं और इससे सावधान रहना होगा। भारत की ऐतिहासिक जीत में सबसे बड़ा राह का रोड़ा तो डेविड मिलर है, लेकिन इसके बाद 2रे पायदान पर नाम क्विंटन डिकॉक का आता है। दक्षिण अफ्रीकी सलामी बल्लेबाज क्विंटन डिकॉक आईपीएल सीजन एक बार फिर से अच्छा गुजरा है। लखनऊ सुपर जॉइंट्स की ओर से उन्होंने सीजन 15 मैचों में 508 रन भी बनाए हैं। इस दौरान इन्होंने 140 रनों की सर्वश्रेष्ठ पारी भी खेली जो आईपीएल के इतिहास की 3री सबसे बड़ी व्यक्तिगत पारी है। भारत के खिलाफ भी उनके रिकॉर्ड भी काफी अच्छे हैं और लगातार आईपीएल खेलने से भी उन्हें भारतीय पिचों का अच्छा खासा ज्ञान है। उनके अनुभव और प्रदर्शन को देखते हुए कहा जा सकता है कि वो आगामी टी20 सीरीज में भारतीय टीम के लिए बड़ा खतरा बन सकता है। लेकिन इस लिस्ट में पहले पायदान पर नाम तमरेज शमसी का आता है। तमरेज शमसी वो खिलाड़ी हैं जो अब बॉलिंग के टी20 में नंबर 1 हासिल कर चुके हैं और कहीं न कहीं भारतीय पिचों पर इनकी घूमती हुई गेंदें उन्हें मदद करने वाली है, क्योंकि भारतीय पिच स्पिन के लिए मददगार साबित हो सकती है। तमरेज शमसी भारतीय बल्लेबाजों के लिए काल बन सकते हैं। तमरेज शमसी को हालांकि आईपीएल में इतना कुछ खासा ज्ञान नहीं है, लेकिन फिर भी ये वो खिलाड़ी है जो पलक झपकते ही विकेटों की झड़ी लगा सकता है, इसलिए तो ये नंबर 1 गेंदबाज बन चुका है। तमरेज शमसी से भी टीम इंडिया के बल्लेबाजों को सावधान रहना होगा। कहीं न कहीं टीम इंडिया के राह में रोड़ा ये 3 बल्लेबाज बन सकते हैं और ऐतिहासिक जीत से टीम इंडिया को रोक सकते हैं। लेकिन इस बारे में आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर बताइएगा। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।